हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है तो आज से हम एच पी एल टी कमीशन दो हज़ार इक्कीस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आप सब अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो भी एल टी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी तक हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएँ और हाँ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तो मैं आपको बता दूं हम अपनी तैयारी जो है तो एक पूरे प्रोसेस के साथ करेंगे कहने का अर्थ है कि हम हिंदी साहित्य का गहनता से अध्ययन करेंगे सबसे पहले हम आदिकाल फिर भक्तिकाल उसके बाद रीतिकाल और फिर अंत में आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे तो दोस्तों आज हम आदिकाल जिसे हम प्रथम काल या काल के नाम से भी जानते हैं तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न हमारा आज का पहला प्रश्न है पृथ्वी रासों के संबंध में कौन सी धारणा सही है तो हमारा सबसे पहले ऑप्शन नंबर अ है प्रमाणिक ब है अप्रामाणिक स है अर्ध प्रमाणिक और द है जाली ग्रंथ तो हमारा ऑप्शन नंबर स जो है तो सही हो जाएगा अर्ध प्रमाणिक हमारा सेकंड क्वेश्चन है मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए ऑप्शन नंबर अ है राहुल वेला ब है प्राकृत पेंगुलम स है वर्ण रत्नाकर और द है पदावली तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर ऑप्शन नंबर स चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है पृथ्वी राजरासों का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर अ है भाषिक संरचना ब है ऐतिहासिकता स है प्रबंधात्मकता और द है चरित्रांकन तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है तो ब सही हो जाएगा ऐतिहासिकता हमारा अगला प्रश्न है चरित काव्य जैन काव्य चरित काव्य जिसे हम जैन काव्य भी कहते हैं किस छंद में अधिक लिखे गए तो ऑप्शन नंबर अ है दोहा चौपाई ब है कुंडलियां, स है पद्रिया द है छप्य तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है तो अ सही हो जाएगा दोहा चौपाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है भक्ति कालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलाने वाला साहित्य किसने कहा है रामचंद्र शुक्ल ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने और द है महोदय ने तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने मिलता है ऑप्शन नंबर अ है गोपाल तापनी उपनिषद ब है कौशिक ब्राह्मण स है स्वेता स्वेत्रोपनिषद द है ऋग्वेद तो हमारा ऑप्शन नंबर ब जो है तो सही हो जाएगा कौशित की ब्राह्मण चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है रामचरित मानस का रचनावर्ष कौन सा है तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है तो अ सही हो जाएगा पंद्रह सौ चौहत्तर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है कुवल्यानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो ऑप्शन नंबर अ है उद्योतन सूरी ब है अप्य दीक्षित स है सोम प्रभ सूरी और द है रुद्रट तो हमारा जो है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा अप्य दीक्षित कुवल्यानंद ग्रंथ के रचनाकार जो है तो अप्य दीक्षित हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश के भाषिक और व्यापार व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया तो हमारा ऑप्शन नंबर अ है ज्योतिरेश्वर ठाकुर ब है दामोदर स है भोज और द है हेमचंद्र तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है तो द सही हो जाएगा हेमचंद्र हेमचंद्र ने अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए यहाँ पर गलत जोड़ा लिखा है ना कि सही जोड़ा तो गलत जोड़ा कौन सा है इनमें से दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर ये जो है तो गलत है क्योंकि वर्ण रत्नाकर जो है तो किसने लिखी है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में किसने लिखी है वर्ण रत्नाकर जल्दी जल्दी कमेंट करें किसने लिखी है वर्ण रत्नाकर तो ये लिखी है ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने सभी को पता है इसके बारे में कॉमन सा क्वेश्चन है चलिए ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है तो हमारा ऑप्शन नंबर अ है बौद्ध साहित्य ब है जैन साहित्य स है नाथ साहित्य और द है रासो साहित्य तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस में मिलता है जैन साहित्य में मिलता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान इनमें से किस जिले में हुआ है ज़िला बताना है हमें कि इनमें से कौन से जिले में हुआ है तो एटा एटा जो जिला है तो एटा ज़िला में इसका जन्म हुआ है तो चलिए आपको अमीर खुसरो के जन्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं तो अमीर खुसरो का जन्म जो है तो बारह सौ बारह सौ तिरपन ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था और पटियाली नामक कस्बे में हुआ था और लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन के राज्यकाल में एक शरणार्थी के रूप में भारत में आवासी थे ये लोग तो ये जो अमीर खुशरो हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बने इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं तो अमीर खुसरो की जो कि पेपर के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो पहली रचना है हमारी खालिक बारी खालिक बारी और दूसरी रचना है हालात ए कन्हैया तीसरी रचना है नजरान हिंद जो खालिक कबारी रचना है वो एक कोस ग्रंथ है ध्यान दीजिए वो एक हमारा कोस ग्रंथ है आप ये चीज़ नोट भी कर सकते हैं कि जो हमारी खाली कवारी रचना है वो एक कोश ग्रंथ है क्योंकि ये प्रश्न डीपली आते हैं पेपर में और जो एक नहिया रचना है वो एक भक्ति परक रचना है वो क्या है एक हमारी भक्ति परक रचना है तो आप ये चीज़ भी नोट करते रहें कि जो खाली कबारी है वो एक कोश ग्रंथ है और हालात कन्हैया जो है तो एक भक्ति परक रचना है और तीसरी आई हमारी नजराने हिंद तो ये तीन रचनाएं हैं जो कि पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भला हुआ जो मार या बिहणी महरा कंतु यह पंक्ति जो है तो किसकी है तो भला हुआ जो मार या बिहणी महरा कंतु तो स्वयंभू लुइपा पुष्पदंत या मुंज मुंज का भी तो कौन सा आंसर जो है तो सही हो जाएगा अगर हम यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो स्वयंभू यहाँ पर सही है और लेकिन मुझे जो है तो यहाँ पर स्वयंभू सही नहीं लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा भला हुआ जो मारिया बिहड़ी महारा कंतु मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है तो हेमचंद्र हेमचंद्र होना चाहिए लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन है तो आ, पहला क्वेश्चन है हमारा भोलानाथ तिवारी दूसरा है देवेंद्र कुमार शर्मा तीसरा ऑप्शन है नाम्वर सिंह और चौथा है उदय नारायण तिवारी तो इसका जो सही आंसर है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इसका जो लेखक है वो है उदय नारायण उदयनाथ तिवारी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है तो इसका सही आंसर होगा सात सौ पचास ठीक है और एक हज़ार पचास जो है तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है चलिए दोस्तों आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद